Hey guys, welcome back to yet another very amazing vlog of the Millennial Spouse. आज दिवाली का नेक्स्ट दिन है एंड आज सबकी छुट्टी है घर पे, तो हम सब ने सोचा कि एक स्मॉल ट्रिप प्लान करते हैं. तो मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी सासू माँ और मेरे हस्बैंड के भाई, हम सब एक ट्रिप के लिए जा रहे हैं. यहाँ से पास में ही है पतोरा डैम जो उड़ीसा में पड़ता है, बट हमारे घर से नज़दीक है. तो हम जा रहे हैं यहाँ से अराउंड पिथौरा से अराउंड 80 किलोमीटर समथिंग पड़ेगा. एंड अगर आप रायपुर से आते हैं तो आपको ये 100 to 120 समथिंग किलोमीटर्स पड़ेंगे. सो सबसे पहले हम जाएंगे ये खरियार रोड, अगर आप जानते हैं तो ये उसके आगे पड़ता है. पहले हम खरियार रोड जाएंगे, वहाँ पे हमारी मासी का घर है, मेरे हस्बैंड की मासी का घर. हम वहाँ पे उनको विजिट करेंगे, देन वी विल गो टू पतोरा डैम एंड आई विल शो यू दैट ब्यूटीफुल प्लेस हियर. जब आप पिथौरा से बांगबारा की ओर जाते हैं तो ये बीच में एक जगह पड़ती है, बहुत ही सुंदर थी ये जगह, जहाँ पे बहुत बड़े पहाड़ एंड हर तरफ पानी ही पानी था. इवन अगर आप मुझे इंस्टा में फॉलो करते हैं तो आपने मेरा रील देखा होगा, पानी पानी हो गई, वो हमने यहीं पे शूट किया हुआ था. आप वहाँ पे 10-15 मिनट ऐसा रुक के अपने एंजॉय कर सकते हैं वहाँ पर. Finally, we are reaching Pathora Dam. So finally we have reached Pathora Dam. आप पीछे मेरे देख सकते हैं ये डैम है, ये मैं आपको दिखाती हूँ. तो ये काफ़ी बड़ा है और काफ़ी mesmerizing भी है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे. You can see it. If you'll come, you'll feel the beauty. The whole place is full of greenery. And वो सामने जो आप देख रहे हैं उधर मंदिर है, अब हम उधर जाने वाले हैं. ये जो सामने दिख रहा है ये वहाँ पे डैम है, आगे वहाँ से हम यहाँ ऊपर आए हैं. यहाँ पे एक स्मॉल पार्किंग स्पॉट है एंड हम जब इधर आते हैं यहाँ पे एक ब्यूटीफुल मूर्ति काइंड ऑफ है भगवान जी की. आई डोंट नो कौन से भगवान जी हैं, बट इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर लग रहा है. देन हम अब जा रहे हैं मंदिर की तरफ.
यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ हैं, स्कल्पचर बहुत अच्छा है, गेट पे भी बहुत सुंदर है। ये लेट मी शो यू इन ज़ूम। ये यहाँ पे है शिव पार्वती जी की मूर्ति है, गणेश जी हैं। द आर्ट इज वेरी ब्यूटिफुल हियर। ये भी एक गेट है जो काफ़ी सुंदर है, यहाँ पे का आर्ट काफ़ी सुंदर है, बहुत सुंदर मूर्तियाँ बनी हुई हैं। हम अब यहाँ पे गार्डन है वहाँ पे जा रहे हैं, एंड ये भी एक आई थिंक मंदिर बन रहा है। एंड ये रोड है, रोड तो अच्छी नहीं है बट इट्स ओके, द प्लेस इज ब्यूटिफुल। सो हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पे, यहाँ पे गार्डन भी है एंड हम लोग पहले पहुँच गए थे, एंड पीछे से आई है ये मम्मी, मेरे हस्बैंड की मम्मी, मेरी सासू माँ मतलब मेरी मम्मी और ये है मासी हमारी बहुत प्यारी सी, एंड ये है अमन और ये है भैया जो हमको लेके आए हैं और वो आ रहे हैं हमारे हस्बैंड, और वो पीछे आ रहा है रणवीर, ये मासी का पोता है जो उछल कूद कर रहा है, एंड भाभी भी हैं, भाभी भी हैं उधर, वो कुछ वहाँ पे अच्छा हाँ टिकट ले रही हूँ। देन लेट्स गो टू द गार्डन। और ये भाभी, भाभी इधर देखो वो भी बिजी हैं अपने फोन के साथ। और ये है ब्यूटीफुल गार्डन, द प्लेस इज ब्यूटीफुल, उनसे बार बार यही वर्ड निकल रहा है ब्यूटीफुल, बिकॉज इट्स वेरी ब्यूटीफुल एक्चुअली। एंड ये भी कुछ इन्होंने बनाया हुआ है काफ़ी ब्यूटीफुल है, और आज इस व्लॉग में तो आप बहुत बार सुनने वाले हैं ये वर्ड। There's a fountain here in the garden. It is not kind of not well maintained, but it's nice. It's okay kind of. बहुत सारे फ्लावर्स हैं यहाँ पे, यू कैन सी इट। देयर इज अ पाथवे एंड यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स हैं, आई एम गोइंग देयर। एंड ये हमारे हस्बैंड जी, ही इज एंजॉयिंग इन हिज ओन वे। हमारी मम्मी, मासी और रणवीर झूले में एंजॉय करते हुए, सब लोग काफी एंजॉय कर रहे हैं। And ये beautiful garden. ये मंदिर का गेट है जो मैंने पहले आपको दिखाया था, हम बीच में फिर गार्डन चले गए थे क्योंकि आई थिंक वहाँ का कुछ टाइमिंग है 5:30 का, देन हम वापस से जा रहे हैं मंदिर में। ये मंदिर का पार्ट है, यहाँ पे सब जगह मूर्तियाँ बनी हुई हैं वॉल पे, ये खाली हो गया आई थिंक, शाम हो गई है करके हम लोग ही हैं यहाँ पे बस। ये वो एंट्रेंस है यहाँ से हम आए, देन ये मंदिर का पार्ट है ये सारा। यहाँ से आपको डैम दिखाती हूँ, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। लेट मी शो यू द मूर्ति।
द आर्ट इज़ वेरी ब्यूटीफुल हियर, लेट मी शो यू। ये है मंदिर में ऊपर जाने की सीढ़ियाँ एंड वी आर गोइंग टू द टेंपल। Let's go inside the mandir. We were not sure whether we should shoot inside the temple or not. So इसके आगे हमने अपना कैमरा बंद कर दिया। Then मैं आपको इसके बाद बाहर का व्यू दिखाती हूँ। ये राउंड यहाँ पे है एक नंदी जी की मूर्ति। ये नंदी जी की मूर्ति वो रही। यहाँ पे एक हनुमान जी एंड इधर भी एक स्कल्पचर है। यहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ हैं। यहाँ पे ये शिवलिंग इधर मंदिर के इस पार्ट पे। ये मंदिर के लेफ्ट साइड का पार्ट है, ऊपर शिवलिंग ऐसा बना हुआ है और हम इधर से जा रहे हैं। लेट मी शो यू। यहाँ पे काफी सारी मूर्तियाँ हर जगह बनी। द स्कल्पचर इज वेरी नाइस। पीछे का पार्ट है। अंधेरा हो चुका है काफी, तो अच्छे से तो नहीं दिख रहा है, बट मैं कैप्चर करने की कोशिश कर रही हूँ जितना हो सके। बहुत सारे देवी देवता लाइन ये है मेन यहाँ पे। ये शिव जी की मूर्ति। ओ गाइस, आप सबने देखा कि कितनी ब्यूटीफुल जगह है पतोरा डैम। तो यहाँ से कुछ एक डेढ़ घंटे ऑलमोस्ट अराउंड 2 आवर्स का रास्ता था हमारे लिए। तो इस प्लेस का रिव्यू दूँ तो ये प्लेस काफ़ी अच्छी है, बट मैं कुछ इसके साथ आपको बताना चाहूँगी। हमको लेट हो गया था जाने में, शाम हो गई थी, तो मैं आई वॉज नॉट एबल टू कैप्चर दी ब्यूटी वहाँ की अच्छे से। आप अगर जाएँ तो समय से जाएँ सुबह से, तो वहाँ पे दिन में आपको बहुत अच्छा आर्ट देखने को मिलेगा। वहाँ का आर्ट बहुत ही अच्छा था, बहुत आर्ट था। एक थोड़ी सी जगह में ही आपको बहुत सारे आर्ट देखने को मिल जाएंगे। स्कल्पचर वहाँ के बहुत अच्छे। एंड अगर आप वहाँ पे गए हुए हैं पतोरा डैम, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए आप सबको वो कैसा लगा था। एंड आई होप आप सबको ये व्लॉग भी बहुत अच्छा लगा होगा, तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में शेयर करिए आपको ये व्लॉग कैसा लगा। सो दैट्स इट फॉर नाउ। बाय बाय।